हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। अगर आपसे आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए पूछा जाता है और सवाल कुछ इस तरीके का है, जरा देखिएगा सवाल क्या है। सवाल ये है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एल नाम से, ये एल है और एल नाम से एक लिस्ट बनाई गई है और लिस्ट के अंदर 10, 30, 50, 60 ये स्टोर करा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें हम कि सिर्फ हम इसी को प्रिंट करवा देते तो 10, 30, 50, 60 प्रिंट हो जाता, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया गया अपेंड, और अपेंड लिस्ट में यूज होता ही होता है। ये तो लिस्ट ही है, ये तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे 70 जो है इसमें अपेंड हो जाएगा, 70 इसमें अपेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपेंड होगा तो वो आएगा 60 के बाद, क्योंकि 60 तक तो ऑलरेडी जगह फिल है, तो 70 जो है 60 के बाद आएगा, यानी 70 जो है 60 के बाद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन भी यूज किया गया। इंसर्ट फंक्शन की कहानी ये है कि इंसर्ट फंक्शन में आप प्लेस देते हो कि किस प्लेस पे आपको इंसर्ट कराना है, तो ये कह रहा है कि दो नंबर प्लेस पे इंसर्ट कराना है, क्या जाने वाला है, ठीक है। फिर इसको शॉर्ट करा देंगे, शॉर्ट करा देंगे यानी पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें होंगी, और पहले 10 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, देन 80 आएगा, यही रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ पर एक बार F5 करके इसको सेव करते हैं और सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही शो हो रहा है। अगर इसको हम हटा देते, शॉर्ट को हटा देते, जरा देखिएगा इसे कमेंट कर रहा हूं, अब देखिए इसको अगर कमेंट कर दिया है तो ये दूसरे नंबर पर, अब देखिए दूसरे नंबर क्या बनेगा, ये देखिए ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा आपका, यानी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 10 के बाद सीधा सीधा 80 आएगा, फिर 30 आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 30 आएगा, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, फिर क्या आएगा, 50 आएगा, और फिर एट लास्ट 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर इसको चलाते हैं आप, तो आप देखेंगे कि यही सेम चीज प्रिंट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए 10 के बाद क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो इसी तरीके से ये रिजल्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 से आप परेशान मत होइएगा, ये 2 जो है ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये इसका नंबर है कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, वहां 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा।